नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीटी लुगो की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसे हम ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं और इसे हिंदी में सफेद दाग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्रोनिक कंडीशन होती है। यदि आपको सफेद दाग की प्रॉब्लम है, काफी ट्रीटमेंट आपने करवा चुका है, आपके सफेद दाग की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं टॉप 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ जिसके क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आफ्टर बिफोर पेशेंट्स की फोटो भी दिखाने वाला हूँ कि कितने अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। साथ ही साथ वीडियो की लास्ट में क्रीम की जानकारी भी दूंगा कि यदि आपको बीटी लुगो की प्रॉब्लम्स है तो कौन सी क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ मेडिसिन का डोज और मेडिसिन का रिपीटेशन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आपने बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करी होगी पर आपको कुछ समय के लिए रिजल्ट देखने को मिले होंगे, फिर रिजल्ट्स नहीं मिले होंगे। किस कारण की वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। यदि आपको बीटी लुगो की सफेद दाग की प्रॉब्लम्स है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपके परिवार में, फैमिली में किसी को सफेद दाग की प्रॉब्लम्स हो गई है तो उन तक जरूर शेयर करें, ताकि सभी इस मेडिसिन को देखकर, वीडियो को देखकर, मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट, लाइव क्लिनिक की अपडेट, वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सफेद दाग की प्रॉब्लम्स के बारे में, जैसे बीटी लुगो और ल्यूकोडर्मा के नाम से जाना जाता है। हमारी जो स्किन होती है उसमें मेलानोसाइट सेल्स पाए जाते हैं और वह मेलेनिन का सिक्रेशन करते हैं। यदि हमारी स्किन में मेलेनिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है, वहां की स्किन काली होती है, और जहां मेलेनिन का सिक्रेशन कम होता है वहां की स्किन सफेद होती है। अब जब यहां मेलानोसाइट जो सेल होती है मेलेनिन का सिक्रेशन बंद कर देती है, तो इस तरह की पैथोलॉजिकल कंडीशन हमें ल्यूकोडर्मा की व्यक्ति में देखने को मिलती है। जगह जगह उनकी बॉडी में सफेद दाग बनने लगते हैं, कान के पास दाग बन जाते हैं, होंठों के पास ज्यादातर हमने दाग देखा है, फेस में सबसे ज्यादा सफेद दाग पाए जाते हैं, और हाथों में सबसे ज्यादा हमें सफेद दाग देखने को मिलते हैं। यह एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, और इसके हम कॉज की यदि हम बात करें तो यह क्रोनिक कंडीशन होती है। यदि जेनेटिक फैक्टर यदि परिवार में किसी को हुआ है तो इसके आपको होने की चांसेस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। क्रोनिक फैक्टर सबसे ज्यादा यहाँ हमें इसमें देखने को मिलते हैं। चलते हैं सीधे मेडिसिन की तरफ कि हमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए ताकि हमारे शरीर में काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले। मेडिसिन का डोज, मेडिसिन का रिपीटेशन मायने रखता है, ध्यान से हमें यूज करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली मेडिसिन आती है दोस्तों आर-सल्फेवम। आर सल्फेवम वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। जहां भी यदि बीटी लुगो, ल्यूकोडर्मा का नाम आता है, आर सल्फेवम सबसे पहले उसमें यूज की जाती है। इसका यूज आपको 6CH में यूज करना है। हमने जो पेशेंट को मेडिसिन दी थी वो 6CH में ही दी थी। 6CH में आपको यूज करना है 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, कंटिन्यू 3 महीने तक इस मेडिसिन का आपको सेवन करना है। नेक्स्ट मेडिसिन आपको यूज करनी है आमी विसागा का मदर टिंचर। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, और बाउची का मदर टिंचर मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। आमी विसागा का मदर टिंचर 1 कप पानी में 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में, कंटिन्यू 3 महीने तक आपको यूज करना है। और वाउची का मदर टिंचर 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में, 3 महीने तक आपको यूज करना है। जो विटी लिगो की दाग है, सफेद दाग की प्रॉब्लम आसानी से धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हमने पेशेंट्स को दी थी CPR-30 पोटेंसी में, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को, कंटिन्यू 3 महीने तक इस मेडिसिन को यूज करना है। जब भी आप मेडिसिन का सेवन करें तो टंग, आपकी जो जीभ है आपकी साफ होनी चाहिए, खटाई का उपयोग आपको नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और वीडियो के लास्ट में जो मैं क्रीम आपको लगाने के लिए बताने जा रहा हूँ वो काफी इफेक्टिव है। दोस्तों मैं पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, आफ्टर और बिफोर की फोटो देख लीजिए, काफी इफेक्टिव और काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। कम से कम 75% रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं पेशेंट्स में। ये जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है, यह मेडिसिन पेशेंट्स को दी गई है, काफी अच्छे रिजल्ट्स इसमें हमें देखने को मिले हैं। तो ये आफ्टर की फोटो है और ये बिफोर की फोटो है, इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन और वेरी इफेक्टिव मेडिसिन हमने पेशेंट्स को दी थी, जिसका नाम है दोस्तों सल्फर। सल्फर 30 पोटेंसी में दी थी, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को,
चार बूंद सुबह और चार बूंद शाम को टंगडोज मेडिसिन दी थी। खाली पेट इस मेडिसिन का यूज करना है। सल्फर का इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि स्किन में ज्यादा इचिंग हो रही है और ज्यादा रेडनेस वगैरह आ रही है तो मेडिसिन को आप सल्फर को बंद कर सकते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। इस सावधानी से हमें सल्फर का यूज करना है। नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों आती है हाइड्रोकोटाइल। यदि आपका जो ल्यूकोडर्मा है, विटिलिगो की जो प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत ज्यादा आपकी स्किन रेड हो गई है, तभी हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर हम लेंगे। एक कप पानी में 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर में, 25 बूंद रात में, अन्यथा इस मेडिसिन का यूज हमें नहीं करना है। वीडियो के शुरुआत में ही जो मेडिसिन मैंने बताई है वह मेडिसिन आपको यूज करनी है। नेक्स्ट क्रीम हमें यूज करनी है, वेरी इफेक्टिव क्रीम। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, या SBL कंपनी की आती है, बिसागा इसका नाम है। इसे आप जूम करके मैं यहाँ फोटो लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। इस क्रीम का आपको यूज करना है, सुबह और शाम को दो टाइम आपको इस क्रीम को लगाना है। जहां भी व्हाइट पैचेस बने हुए हैं, चाहे आपके फेस में हो, चाहे आपके किसी भी पार्ट में विटिलिगो की प्रॉब्लम है, वह धीरे धीरे करके पूरी तरह से इस क्रीम के माध्यम से ठीक होने लगती है। और जो मेडिसिन मैंने बताए हैं और जो परहेज मैंने आपको बताया है वो आपको अवश्य करना है। यदि आप विटिलिगो की समस्या से काफी लंबे समय से परेशान हैं, यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा, यह जानकारी आपको अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक करें, रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।